हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए जो रिव्यू लेकर आया हूँ, ये एक वेस्पे का रिव्यू है। वो हज़रात जो वेस्पा यूज़ करते हैं, स्पेशली हमने जो है वो एवरेज लोगों को देखा है कि जो 50s क्रॉस कर जाते हैं, उनको वेस्पा का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और पहले टाइम में ये वेस्पा की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल जो है वो बैक किए यहाँ पर न्यू एशिया ने अपने एक वेस्पा के साथ। तो गाइस, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी प्राइस देखते हैं, इसके फीचर्स के देखते हैं, और ओवरऑल देखते हैं कि क्या ये वेस्पा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। याद है कि ये पेट्रोल वर्जेंट का जो है वेस्पा है, ये बिल्कुल भी जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है। तो इसकी इस वक्त जो प्राइस है वो 2,80,000 रुपये में आपको ऑफर किया जा रहा है। न्यू एशिया इसको लेकर आ रहा है रमज़ा के नाम से। रमज़ा 100cc मॉडल है, जिसकी एवरेज आपको 35 तक देखने को मिल जाती है। 4-speed ट्रांसमिशन में ये आता है। 7 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और 100cc ये वेस्पा आपको जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर मजीद बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं इसका मीटर भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। स्टाइलिश सा मीटर है ऊपर की जानी, वो नीचे थोड़ा डिजिटल ऑप्शन भी दे दी गई है। और यहाँ पर ये असम्बली साइड पर भी मुलायजा कर सकते हैं। इसकी असम्बली जो है वो बॉडी के साथ अटैच्ड है। ये लेफ्ट असम्बली है, और जबकि राइट असम्बली में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। यानी कि ये ओल्ड एज हजरात के लिए तो एक बेहतरीन मॉडल है। आपको किक लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा सेल्फ स्टार्ट है। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है, लाइव व्हील की ऑप्शन भी दे दी गई है, और फ्रंट की लुक भी काफ़ी कमाल की बनाई गई है। इसके अंदर डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो लेंथ आपको 1985 mm, जबकि वेट था आपको 680 mm, और हाइट आपको 1190 mm की देखने को मिल जाती है। 4-stroke सिंगल सिलेंडर का जो है वो इस पर इंजन लगाया गया है, एयर कूल्ड का, जो कि डिस्प्लेसमेंट 100cc के साथ आता है। इसके अंदर क्लच की बात करी जाए, वेट टाइप मल्टीप्लेट डिस्क कॉइल स्प्रिंग इसमें लगा हुआ है। 4-speed ट्रांसमिशन है। हॉर्स पावर आपको 7 की देखने को मिलती है 7,000 rpm पे, और जबकि टॉर्क आपको 7.5 nm की मिल जाती है 7,000 rpm के ऊपर। बाइक के अंदर बोर मिलता है 52.4 का, जबकि स्टॉक मिलता है 57.8 का। बाइक की कंप्रेशन रेशियो है 9:2:1 की। बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम देखने को मिल जाए, किक वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल ही नहीं है। बाइक की क्राउन क्लियरेंस है 120 mm की। बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 80 तक आपको देखने को मिल जाती है। बाइक के अंदर 7 लीटर के फ्यूल टैंक लगाया हुआ है। बाइक की जो एवरेज है वो 35 तक की आपको मिलती है। बाइक का जो ड्राइव वेट है वो 97 kg आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बाइक का व्हील बेस जो है वो आपको 12 का मिल जाता है, 120/12 के जो है वो टायर इसमें लगाए हुए हैं। इसके अलावा गाइस, इसके कुछ अच्छे फीचर्स की बात कर लें, कुछ बुरे फीचर्स की बात करें तो आपको बताया चलूँ, बेसिक स्कूटर लुक है इसकी, तो मतलब काफ़ी एक साफ़ सुथरी सी लुक मिल जाती है। जो लोग स्कूटर टाइप को पसंद करते हैं तो वो एक इनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके ये जो है वो एक एंटीक स्कूटर की नुमा जो है वो नज़र आता है। अब आज के टाइम में जो है वो इस तरह के स्कूटर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि मार्केट में नया डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ फ्यूल एफिशिएंट भी अच्छी एवरेज दे रहा है, 35 तक, मैक्सिमम 40 तक भी आपको एफिशिएंसी दे देता है। उसके बाद गाइस आपको बता चलूँ कि इसके अंदर जो लिमिटेड स्टोरेज स्पेस दी गई है और एक्सपेंसिव है अपनी कैटेगरी के अंदर, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा रखा गया है यार। 2,80,000 रुपये में आपको सिर्फ एक 100cc बाइक मिल रहा है जो कि पेट्रोल वर्जन में है, तो प्राइस के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है। बट गाइस, अगर इसके बात कर लीजिए, फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, लुक अच्छी देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और जो है वो विदिन सिटी के अंदर तो एक काबिले इत्माद और बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है। उसके साथ साथ न्यू एशिया आपको बैक एंड पे सपोर्ट भी दे रहा है, यानी कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी आपको मसला नहीं रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अगर यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँ, तो मेरे ख्याल में जो लोग वेस्पा लेना चाह रहे हैं उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान में इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा, जिसकी लुक का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, एवरेज भी ठीक ठाक दे रहा है, और परफॉर्मेंस भी ठीक है, राइड भी अच्छी है, लुक भी काफ़ी कमाल की है। तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ों में ये अच्छा रहता है। आप तो महंगा ज़रूर है, बट ये है कि आपको काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस ला कर देने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में हाजिर हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।